जैसे ही मैं अपना वाईफाई कनेक्शन में जाता हूँ, नेटवर्क कनेक्शन में, तो यहाँ पे देख रहे हैं जब मैं वाईफाई ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार सेटिंग से भी देख लेते हैं। मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में मैंने आ गया। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट देख रहे हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ वाईफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब वाईफाई को ऑन करेंगे तो देखिए ऑन नहीं हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो फर्स्ट जो फर्स्ट है मतलब ट्रिक, उसको हम अपनाएंगे, उसका देख के देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट हम चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा वाईफाई है, वाईफाई को यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। डायग्नोज पे जाएंगे, यहाँ पे डायग्नोज देख सकते हैं, डायग्नोज पे आ गए हैं। तो हमारा प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहा है, तो हम कुछ देर वेट करते हैं, अपना प्रॉब्लम देखते हैं क्या डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पे फाइनली प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया है। तो हम प्रॉब्लम फाउंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है वायरलेस कैपेसिटी इज़ टर्नेड ऑफ, यानी कैपेबिलिटी ऑफ है हमारा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे हमारे में नो फिक्सेड, यानी कोई हमें ट्रबल नहीं है वाईफाई में। तो हम इसको फर्स्ट ये था, अगर ट्रबल होता है तो यहाँ से आप ठीक कर सकते हो, वहाँ पे लिख देगा कैसे ठीक होगा। तो फर्स्ट इसको हम देख लेते हैं, हम फिर इसको कट कर देंगे। यहाँ से हमारा कोई ट्रबल वाईफाई में नहीं है। फिर हम यहाँ पे कनेक्शन में अपने जाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन में जब वाईफाई ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हम बताते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन आप अपने मतलब लैपटॉप के ये इस साइड में किसी भी साइड में, ये गारंटी नहीं है कि इसी साइड में हो, आपके दोनों साइड, इस साइड भी हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये बटन है, हम इस बटन को ऐसे कर देंगे, यानी इधर कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम वाईफाई को फिर से ऑन करने वाले हैं। जैसे ही ऑन करते हैं हमारा वाईफाई ऑन हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो, बहुत ही छोटे मोटे प्रॉब्लम का सॉल्व लेके आता रहूँगा, हर चीज़ का टेक्निकल इशू से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहेगा। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए।